एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर वन का वन। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर वन के वन में देखो क्या दिया हुआ है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको जितने ये गिवन टर्म्स हैं इनका कॉमन फैक्टर्स लेना है, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर का मतलब समझते हो? देखो जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखो, 12x, 36 यही दिया है। चलो देखो, अब हमको क्या करना है ना, ये 12x और ये 36 में से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एकदम बेसिक से करेंगे, बाद में हम फिर धीरे धीरे सीखेंगे इसको और कैसे कर सकते हैं। पहले देखो, 12x को आप ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। समझने के लिए सबसे बेस्ट इनिशियली आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, और तो 12x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × x, ये x है ना, तो × x, बोलो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 36। अगेन 36 का भी आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 1 2 8 करेक्ट है, अगेन 2 9 3 3 और 3 1 है ना। तो फिर 36 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 करेक्ट है। नाउ अब हमको इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालने, यानी वो फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है। तो आप ये देख लो कौन कौन सा कॉमन है। ये टू दोनों में कॉमन दिख रहा है, ये भी टू कॉमन है, और ये थ्री कॉमन है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में हमको देखो कॉमन नजर आ रहा है। ठीक, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 × 2 × 3, क्योंकि दोनों में 2 × 2 × 3 दोनों में आ रहा है, करेक्ट है ना। तो कितना हो गया, 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो दोनों में 12 कॉमन फैक्टर है। पहले बताओ ये आया समझ में? ये एकदम मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया, ठीक। प्लीज नोट इट डाउन, फिर सेकेंड अटेम्प्ट करके देखो एक बार। 16x³ - 4x² = 32x। अब तुम लोग बोल रहे होगे सेम ही क्वेश्चन है, क्या समझाने वाला हूं मैं। देखो अब थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से बनाएंगे, सेम क्वेश्चन है, अप्रोच बदलेंगे, जो कि अब हमको आगे काम आने वाली है ना। अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, नंबर को पूरा पूरा तोड़ दे रहे थे। कोई भी नंबर दिख रहा था, और ना ध्यान से लिखना बाद में, कोई भी नंबर दिख रहा था ना, हम उसको पूरा पूरा ब्रेक कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब पूरा ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा ब्रेक करने से बेनिफिट नहीं है, हमारा काम बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं। आ रहा समझ में? अब स्मार्टली ब्रेक करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले यार ये देख लो, ये 16 देखो, यहाँ पहला नंबर 16 है, दूसरा नंबर है 4 और तीसरा नंबर है 32। तो आपको ये तीनों नंबर को देख के ये पहचानना है, क्या ये तीनों नंबर किसी एक टेबल से जाते हैं क्या? यस टू से तो जाते हैं, हाईएस्ट कितने से जा सकते हैं? अब आप देखो, ये 4 है, ये 16 है, ये 32 है, तो क्या देखो 4 16 4 के टेबल में आता है, यस 16 4 के टेबल में आता है, यस 32 भी 4 के टेबल में आता है, यस करेक्ट है। तो क्या 16 4 और 32 में डायरेक्ट हम 4 को कॉमन फैक्टर ले सकते हैं? यस ले सकते हैं। कैसे लिखेंगे उसको, चेक करो। देखो यहां पर अगर ये है 16x³, अभी सीख जाओ तो आगे तकलीफ नहीं होगी। देखो 16 - 4 और 32 में सबसे छोटा नंबर 4 है, और हमको ये पता चल रहा है कि भाई 16 भी 4 के टेबल में आता है और 32 भी 4 के टेबल में आता है। तो 4 को तीनों से कॉमन फैक्टर लिया जा सकता है डायरेक्ट, है ना समझ में? तो अगर 16 को 4 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा। 16 को 4 के टेबल से ब्रेक करेंगे तो 4 4 16 होता है, तो लिखो 16 को 4 × 4 टाइम्स ऑफ क्या, x³। अच्छा देखो x³, इसको तो मैं x × x × x लिख दूं। नाउ नेक्स्ट, -4x² तो -4x² को ऐसे लिख दे, -4 × x × x, और को ब्रेक नहीं करते। अगेन 32x को 4 के टर्म्स में ब्रेक करना है, तो क्या लिखेंगे, 4 कितना है, 32,
फोर एट सा 32 तो 4 इनटू 8 इनटू x बोलो करेक्ट है यहाँ तक आया सुन। अब मुझे आप लोग बताओ हमको पहले ही मालूम चल गया था कि जो 4 है वो तीनों टेबल में जाता है तो 4 तो कॉमन फैक्टर रहेगा ही रहेगा बोलो करेक्ट है और उसके साथ साथ में देखो यहाँ पर x भी एक कॉमन फैक्टर है क्योंकि तीनों में एक एक x है बोलो करेक्ट है तो बताओ कॉमन फैक्टर कितना हो गया कॉमन फैक्टर कितना हो गया 4x आया क्या समझ में अभी कोई बनाएगा नहीं इसका एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं ठीक अब मुझे ये बताओ हाँ चलो सेवेंथ क्वेश्चन भी बता दो ये सिक्स्थ हो गया सेवेंथ भी मैं बना के बताता हूँ आपको बताओ सेवेंथ क्वेश्चन क्या है बोलो बोलो टेन पी क्यू ट्वेंटी क्यू आर थर्टी आर पी अब तीनों नंबर को ध्यान से देखो 10, 20 और 30 ये सीधा सीधा 10 के टेबल में जा रहे हैं हमको मालूम है ये तीनों 10 से डिविजिबल है तो इन तीनों का कॉमन फैक्टर 10 हो सकता है नंबर्स का और देखो तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 10 PQ है तो इसको 10 इंटू पी इंटू क्यू लिख दू ये 20 QR है 20 QR तो इसको हम लिख दे 10 इंटू टू इंटू क्यू इंटू आर और ये 30 RP है तो 30 RP को मैं लिख दू 10 इंटू थ्री इंटू आर इंटू पी बोलो करेक्ट है yes, है ना तो अब देखो क्योंकि अब ये तीनों ही 10 के टेबल से जा रहे थे हमको पहले पता चल गया था कि भाई 10 तो कॉमन फैक्टर आएगा ही आएगा इसके अलावा और कुछ आ रहा है क्या इसके अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना निकल के आएगा 10 आया समझ में Yes, तो ऐसा भी कर सकते हो पूरा पूरा ब्रेक ना करके तीनों में देख लो भाई तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल हो रहा है ठीक है तो वो हाईएस्ट नंबर को कॉमन पहले ही निकाल लो आया कि नहीं आया समझ में ठीक चलो पहले बताओ यहाँ तक आया समझ में yes, अच्छा देखो यहाँ पर मैं कुछ वर्क दे रहा हूँ आप लोग को देखो यहाँ पर अभी ये जो कॉमन लेना सिखाया ना आपको मैंने सेम ऐसा ही कुछ हमको सेकेंड क्वेश्चन में करना है अभी ये देखो चेक करो प्लीज एट क्वेश्चन बनाना अभी आप लोग एक मिनट रुक जाओ बस सामने देखो पेन डाउन करके देखो सामने 7x-42 हमको क्या करने बोला है इसको फैक्टराइज करने बोला है फैक्टराइज करने का मतलब होता है उसको सिंप्लीफाई करो जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कर दो यही मीनिंग है आपके फैक्टराइजेशन का तो अब देखो अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या तो अब देखो अभी मैंने आपको सिखाया पहले ये बताओ क्या ये 42 को 7 के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं क्या 42 7 के टेबल में जाता है तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 7x-42 7 के टेबल में कितने जा जाता है 7 6 करेक्ट है टेबल याद नहीं है उधर क्या देखो कैसे अच्छा देखो तो 42 को 7 इंटू 6 लिख सकते हैं करेक्ट है और अगर 7 इंटू 6 लिख सकते हैं तो तुम मुझे बताओ क्या ये दोनों में आपको 7 कॉमन दिख रहा है 7 कॉमन फैक्टर है तो दोनों में 7 को कॉमन ले लो तो जैसे 7 कॉमन ले लोगे यहाँ क्या बच गया x माइनस यहाँ क्या बच गया 6 तो ये ही इसका आंसर है इसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना फैक्टराइज करने का मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सक रहा है उतना सिंप्लीफाई कर आ रहा है क्या समझ में yes. पक्का आया समझ में yes, तो उसको बनाओ बनेगा कॉमन लेना है आप पहले ये देख लो इन दोनों में क्या कॉमन जा सकता है अब 2016 के टेबल में तो जाएगा नहीं पहले देखो 16 और 20 दोनों 4 के टेबल में जाते हैं सोचना पड़ेगा इस हमको 16 और 20 दोनों 4 के टेबल में जाते हैं तो 4 के टर्म्स में आप स्प्लिट कर लो 16 को आप 4 into 4 into z लिख सकते हो और 20 को आप 4 into 5 into देखो अब ये z क्यूब है तो z क्यूब को z into z square लिख सकता हूं मैं अब धीरे धीरे स्मार्ट वर्क करेंगे z into z ना लिख के z into z square लिख दिया और ऐसा क्यों किया मैंने क्योंकि देखो अब साफ साफ नजर आ रहा है यहां पर ये 4 और ये 4 कॉमन है और यहां पर ये z और ये z कॉमन हो जाएगा तो बताओ कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा 4z तो क्या बचेगा यहां बचा -4
प्लस ये 5z स्क्वायर आया कि नहीं आया सन में, इसमें क्या दिया है 20l स्क्वायर m प्लस 30alm बनाओ भाई। 20 और 30 में सीधा सीधा 10 है ना, इसको आप 10 के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हो, तो 10 इंटू एल इंटू एल इंटू एम लिख दो और ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू ए इंटू एल इंटू एम, करेक्ट है? हाँ यहाँ 10 इंटू 2। तो बताओ क्या कॉमन चला गया, 10 कॉमन है, 10 कॉमन है दोनों में से, और दोनों में क्या कॉमन है, एल कॉमन है, तो 10 एल कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2LM प्लस 3AM। अच्छा अच्छा M भी कॉमन है, क्या हो गया मुझे आज, M भी कॉमन है, तो 10LM कॉमन है, तो क्या बच जाएगा 2L प्लस 3A, that must be the answer। आया समझ में? ठीक है।